नमस्कार गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन। ना चिकन लिए हम लोग 3 किलो, तवा में बनाएंगे फिर। तो तवा तो ऑलमोस्ट गर्म हो गया, तो अभी आज हम लोग इसमें मतलब कुछ ही इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, मतलब मसालास। आप लोग अगर हम लोग का चैनल्स को मतलब और सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप आने वाले इसी तरह का मज़ेदार वीडियो आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे ना। और हम लोग फ्यूचर में ब्लॉग भी बनाएंगे, तो आप लोग तब भी अब हम लोग के ब्लॉग आप देख पाएंगे। तो अभी मसाला डालना शुरू करते हैं। सबसे आगे चिली पाउडर ले रहा है, चिली पाउडर यहाँ पे डाल देते हैं, साइड में आगे एक जगह मिला लेते हैं। हाँ, कोई इधर आकर तो जूम कर दो, या दिखाओ, एक जगह दिखाओ। तो ये चिल्ली पाउडर ले लिया ना, या मिला लेंगे, क्योंकि मीट पे फिर मसाला मिक्स होने के फिर वो होगा ना। तो अभी ले रहे हैं हल्दी, तो मीट का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा हल्दी ज़्यादा ले लेते हैं। अभी हल्का सा जीरा पाउडर डाल रहे हैं, बस हो जाएगा। इसके बाद चाहिए नमक, नमक डाल देते हैं, भी ज़्यादा है तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। अभी इसमें मैं यहाँ रिफाइंड तेल यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी हल्का सा तेल डाल लेना है आप लोगों को, ताकि मीट में अच्छा अच्छी तरह से मसाला मिल जाए ना। अब ये मीट को थोड़ा साइड कर देते हैं, या दिखा, ये देखो। अब इसको मसाला को पूरा अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स होने देना है। देखो बढ़िया से मिक्स हो गया ना। अब इसको नमक लोग को भी अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अब इसके साथ इसको मैशअप कर देना है, सुंदर सा मसाज देना है, ताकि हर मीट पे अच्छी तरह से लग जाए ना। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मीट अच्छी तरह से मसाला पे मिक्स हो गया। इसको अभी बस थोड़ा देर इसको हम अभी लगभग आधा घंटा रखेगा, ताकि थोड़ा मेरीनेट हो जाए ना। मेरीनेट हो गया है, तो अभी तवा भी गर्म हो गया ना, ऑयल डाला। अभी देख सकते हैं, अभी चिकन डालेगा इसमें थोड़ा सा बच के। इसको अभी थोड़ा ऑयल में कुक होने देगा, ऑयल थोड़ा लगने देगा, इसके बाद इसको पेला देगा, पेलने देगा इसको, इसके बाद स्लो कुक करेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा हाई फ्लेम में करने से आपका ये बर्न हो जाएगा ना, इसलिए इसको ऐसे करके स्लो कुक करना है। तो स्लो कुक करने से तो मीट का अंदर तक पकेगा, नहीं तो कच्चा रहने से, अंदर ब्लड ब्लड होने से खाने अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए इसको स्लो कुक करके तक पकने देगा। वहाँ पे तो मीट बन के रेडी हो गया, तो अभी हम बनाने जा रहे हैं बुलडॉग एग्स बना रहे हैं। 5 पैकेट लिए हमने, 1 2 3 4 5। सो अभी पानी उबलना शुरू हो गया, तो अभी नूडल्स डालते हैं। एक, ये रहा, दो, ये रहा, तीन, ये रहा, चार। हमेशा जब भी नूडल्स बनाता है ना, पानी को उबलने देने के बाद ही डालना है, नहीं तो नूडल्स ओवर कुक हो जाएगा बाद में। तो ये हो गया 5। सो अभी नूडल्स को एक बार पलटी कर लेना है, ताकि बहुत साइड इक्वली पके ना। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत कुक हो ही गया। अभी इसको थोड़ा एक बार पानी में अच्छी तरह से धुआ लेना है, तो अभी ये जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा, तो ये जो शेप में है ये अपना शेप छोड़ देगा, तो नूडल के शेप में आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी ये अलग हो रहा है ना,
मतलब ये कुक अभी पानी अच्छा से एब्जॉर्ब करना शुरू कर ले। अभी हम लोग फिर इस चिकन तो तैयार हो गया ना बनके, तो साइड में रख लिया। तो अभी हम लोग साइड डिश के लिए आस ले रहे हैं, लाइसक लाइसक ले रहा है, फ्रेश बगान से तोड़ा है आज हम लोग इसको अपना बगान से। और साथ में देख सकते हैं पुदीना भी लिया हुआ है, सॉरी पुदीना नहीं धनिया है ना, धनिया भी है। इसको हम लोग साइड डिश के लिए बनाएगा अभी, इसको मेरा बहन दोनों बगान से तोड़ दिया था, तोड़ के आज अब इसको पूरा साफ करके रख दिया, क्योंकि अकेला ये सब में नहीं होता है ना, कोई तो हेल्प चाहिए होता है। तो आज एसएस कर रहा है मेरा दोनों बहन, बाद में वीडियो में दिखा देगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, अभी हम लोग सॉस डाल रहे हैं नूडल्स का, ये रहा 2x। बहुत ही ज्यादा सो आगे मैंने इसका ढक्कन लगा दिया था ताकि इसका वेपर से सब्जी जल्दी पक जाए ना। सो इसको अभी एक बार मिला लेते, देखो इतना सुंदर से बन गया ना, क्योंकि गया बार हम लोग जब बनाया था ना साइड डिश तो उसमें थोड़ा से मतलब बॉयल सब्जी का कम पड़ गया था। तो अभी ये धनिया को थोड़ा फैला देता है, धनिया एक जगह में पूरा ये लोग मिलाने ला, जो एक जगह में धनिया को पूरा रख दिया। वाओ काफ़ी यम्मी लग रहा है ना, इसके साथ हम लोग का नूडल्स भी रेडी हो गया अभी। तो ये तो साइड डिश है, अभी इसके बाद चिकन भी रेडी है, अब बस खाने को बाकी है, भूख भी लग गया। हाई भाई कुछ खाने को दे दो, यही बोल रहा है अभी। तो अभी हम लोग अभी क्योंकि खाने के लिए अभी ऑलमोस्ट सब कुछ डिश रेडी है ना, तो अभी हम लोग को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए होगा ना, तो आप गिलास के हिसाब से पता लग सकता है कि आज आप लोग कितना अपनी खाने वाला है ना, अंदाजा तो लग ही गया होगा। गाइस वेलकम अगेन। सो फाइनली सब कुछ रेडी है, तो आप लोगों को पास से हम लोग बता ही दिया कि क्या क्या बनाए आज ना। तो ये रहा हम लोग का नूडल्स, और हम लोग ये बताना भूल गया, नूनू इसको थोड़ा दिखा दो। ये हम लोग साथ में लिए हैं ककुम्बर एंड लिमोन लिए हैं, एंड राइस भी लिया थोड़ा, ताकि हम लोग मतलब जिसको चाहिए होगा, क्योंकि हमको तो राइस चाहिए ही होता है ना। सो ये नूडल्स हैं, चिकन भी रेडी है, और साइड डिश के लिए लाइसक और उसका धनिया पत्ता रेडी है। तो हम लोग पेप्सी को तो दिखा दिया हम लोग वीडियो में, तो पेप्सी भी हम लोग साथ में लिए हैं, क्योंकि पेप्सी का बिना तो होगा ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए होगा ना। सो लेट्स गाइस स्टार्ट एट आवर वीडियो, खाने को स्टार्ट करते हैं, सबको भूख लग गया, गुस्सा गुस्सा है। चलो भैया बढ़िया, ये देख सकते हैं है, ना टेस्टी लग रहा है। Wow. First bite. ये कैसी है? नूडल बहुत मीठे। अरे चिकन लेग पीस एक तो मिल गया रे, लकी हम।
अभी लिमोन सच्ची अभी यम्मी दे सके ने थोड़ा तल लिया तो बहुत टेस्ट हो गया, आधे थोड़ा सल कम था ना इसलिए टेस्ट नहीं आ रहा था, अभी तो बहुत टेस्ट है। Thank you.
इसको कहेगा विंग, चिकन विंग, ये चिकन विंग आवाज अलग रहने लगी था। नूडल्स के साथ ही टेस्टी है, खाना का हक कौन खाता है? जिसे पच्चे अलग करते हैं। चिकन विंग बहुत बढ़िया पका है। खा के बहुत मजा लग गया अभी। देखो हम लोग बहुत खाया, खत्म कर दिया लगभग नूडल 5 पैकेट। फिर पानी में भिजने के बाद उसको मान के चलो 1 केजी हो गया होगा। राइस तो 1 किलो ज्यादा लिया है और मीट 3 किलो, सब्जी तो 1 किलो ज्यादा था। तो हम लोग कितना किलो का है? वाह, हम लोग बहुत तगड़ा है रे। सबका पेट में 2-2 किलो घुस गया। सो ऑलमोस्ट फिनिश एवरीथिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग दया माया करके हम लोग को सब्सक्राइब कर दो ना। इसे क्यों करते हैं? लाइक भी कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो। हम लोग बहुत मेहनत करता है अभी, हम लोग का मेहनत का फल थोड़ा तो दे दो। आप लोग ये वीडियो में ढेर सारा लाइक देना, ढेर सारा कमेंट करना और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्दी जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, 4000 का वॉच टाइम हो जाए तो मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। इसके बाद और वीडियो बनाएगा क्या है, और क्या है ना। हम लोग का कुत्ता जो हम लोग को ताने ले दिख रही थी सर, नींबू को हम एक खाया ना, बाकी सब तो मालूम नहीं कौन खाया होगा। ये नूडल्स बहुत मीठा था लेकिन बहुत स्वीट था दे। हम लोग 3 स्पाइसी खा चुका है, ये तो इतना जाल नहीं है लेकिन ना कंपेयर में, ये 2 स्पाइसी है तो 3 स्पाइसी तो बहुत जलता है यार, हम तो खत्म करने नहीं सके। तो आप देख सकते हैं आखिरकार दो तो काके सरेंडर होके चला गया, स्टिल दे कांट फिनिश दिस वन। तो हम तीनों मच गया, हम तीनों भी अभी तरह तरह पेट भरने वाले हैं, इसलिए अभी स्लोली अभी और भी खाते रहेगा। तो आप लोगों को मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हम लोग को सब्सक्राइब करके मेरा ये चैनल वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा होगा आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, खुश रहिए अपने फैमिली के साथ, इसी तरह से कुछ कुछ बना के अपना फैमिली के साथ खाते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।